दोस्तों अगर आप देखते हो, मैं बहुत सरप्राइज हुआ, स्पेशली बंगाल से एक बंदा है, आई मीन वो बहुत फेमस यूट्यूबर है और उसने ऑलमोस्ट पूरे भारत में उसने लेफ्ट एंड राइट ट्रेनिंग दे चुका है, ठीक है। अगर आप उसके भाषा देखते हो ना, वो मुझे लग नहीं रहा है कि वो बहुत प्रोफेशनल है। ऑल दो वो वीडियो मुझे टारगेट करके नहीं बनाया गया था, बट ये बहुत सारे एमपी और यूपी में कुछ भाई है जो लोग बाय फ्लॉक में ट्रेनिंग देते हैं, उनको मैं स्पेशली टारगेट करके ये वीडियो बनाया गया था, जो मुझे अनएथिकल लगा। स्पेशली जिस टाइप के वर्ड ये लोग यूज़ करते हैं ना, आई मीन झोला छाप एंड ऑल, ये एक्चुअली प्रोफेशनल नहीं है। आप एक यूट्यूबर हो के आप दूसरे यूट्यूबर के लिए ये यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपके पास लोग ज़्यादा आए ट्रेनिंग लेने के लिए। तो अगर यही पर्टिकुलर चीज़ है तो फिर आप में और दूसरे में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। स्पेशली अगर बंगाल की धरती से अगर कोई इस टाइप से बात करेगा, बींग अ बंगाली मैं तो एकदम साइन नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्पेशली जो एक बात है जो हमको पता चल रहा था कि बंदे ने बहुत अभी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि लोगों ने यू नो साइलेंटी के बारे में पता नहीं है लोगों को, TDS देके TDS बढ़ा रहा है। अगर आप देखते हो ना, इंडिया में इनिशियली सिर्फ दो ही बंदा है जो साइलेंटी के ऊपर बात किया था, दो ही बंदा मैं लिख के दे सकता हूँ, आप वीडियो जाकर चेक करो। एक है कैप्टन ब्लॉक, एक है SD ग्लोबल बायोटेक। ये छोड़ के बाकी लोगों का कन्फ्यूजन था TDS में। और जो भाई साहब ये चीज़ पे बात कर रहे थे ना, वो आप जाके उनके खुद के वीडियो देखो, पुराना 7-8 महीने पहले जब उन्होंने वाटर प्रिपरेशन का वीडियो बताया था, मैं 100% बोलता हूँ हर बंदा ने उस वीडियो को डाउनलोड कर चुके। और आप जाके चेक करो TDS का जो 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 तड़का लगाया था ना पूरे इंडिया में, नमक डालो और TDS बढ़ाओ, TDS बढ़ाओ, TDS बढ़ाओ, उस बंदे ने ही चालू किया था और उसने ही पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग लोगों को दे चुके हैं, ठीक है। तो मतलब आप सोचो जो जो बंदे को कन्फ्यूजन थे और उसने पूरे इंडिया को उल्टा पुल्टा ट्रेनिंग दिए है, स्पेशली जो TDS एंड जो सैलिनिटी के बारे में जो डिफरेंस ना समझ के, ठीक है। आप जाके उनकी वीडियो चेक करो, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप अपने भाई लोगों को, आपके कम्युनिटी को आप झोला छाप ऐसे टाइप का बात बोल रहे हो, तो मतलब आप सोचो, मतलब आप अपने स्तर कहाँ पे लेके जा रहे हो। आपको जो पता है आप बताओ, आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बोलो कि उस कोई एक पर्टिकुलर बंदे ने काम ठीक से नहीं किया, अच्छा नहीं किया, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट जब आप ये झोला छाप, बहरूपिया, XYZ, ये जब वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ब्रदर। ड्यू रेस्पेक्ट, माई रेस्पेक्ट टूवर्ड्स यू, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं 18th-19th को जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल कलकत्ता। अगर आप सच में, अगर आपको लगता है कि आप में काबिलियत है, चैलेंज मी, एक फोरम हम शेयर करते हैं, लेट्स हो जाए किसको कितना पता है, ठीक है। अगर आप लोगों को टारगेट कर रहे हो, जो भी यूट्यूब कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, आप मुझे नहीं करो अलग बात है, बट आप किसी को टारगेट मत करो, ये गलत बात है, ये आप गलत कर रहे हो। आप पूरे इंडिया में आपने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनिंग दे चुके हो और मैक्सिमम बंदों का आपने वही बताया है TDS। अभी आप जाके ऑल ओवर टुगेदर जब पूरा दुनिया को आप लूट चुके हो, आप बोल रहे हो कि नहीं भाई TDS तो गलत है, सैलिनिटी करेक्ट है। आप ही खुद सबको बताया TDS। आप जाके अपने वाटर प्रिपरेशन का वीडियो चेक करो, एक्वेरियम वाला वीडियो, आपको पता चल जाएगा। दिस इज माई ब्लंट ओपिनियन फॉर यू ब्रदर, प्लीज डू नॉट मैश विथ एनी यूट्यूब कम्युनिटी, गलत शब्द का चयन मत करना प्लीज। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों को एक FCO को ऊपर एक भ्रांति है, लोग बोल रहे हैं कि बॉस FCO क्या है, FCO क्या है। देखो FCO एक ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी है जो चाइनीज मेथडोलॉजी है, ठीक है दोस्तों। ये चाइना में बहुत पहले से यूज होता था फिश फार्मिंग रिलेटेड, ठीक है। इंडोनेशिया में भी होता है, वियतनाम में भी होता है, ठीक है। तो जो FCO का जो मेन फंडा है, अगर आप इसको दो चीज़ में डाल दो, आप FCO आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फर्मेंटेड कार्बन ऑर्गेनिक मछली के सेहत के लिए या आप एमोनिया कंट्रोल करने के लिए। अगर आप एमोनिया कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो FCO नहीं होता है। और अगर मछली के सेहत के लिए आप FCO यूज़ कर रहे हो तो उसमें बैसिलस सबटिलिस नहीं रहना चाहिए, उसमें लैक्टोबैसिलस रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड रहना चाहिए, जो लैक्टिक एसिड बैसिलस रहना चाहिए जो मछली का डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करे। अगर खाने के साथ दे रहे हो फर्मेंटेड कार्बन ऑर्गेनिक, तो उसके साथ लैक्टोबैसिलस रहना चाहिए, बैसिलस सबटिलिस नहीं। और अगर बैसिलस सबटिलिस आप पानी में दे रहे हो, और बैसिलस सबटिलिस अगर आप मछली के खाने के साथ दे रहे हो, बस क्यों दे रहे हो? आपके ऑलरेडी टैंक में करोड़ों बैसिलस सबटिलिस है। जब आप मछली को जस्ट दाना दे रहे हो, जब मछली दाना लपक के खाता है,
उसमें ऑलरेडी दाना के साथ पानी के साथ तो वैसे एसेप्टेस उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, एफसीओ बना के उसको देने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और कोई बंदा पर्टिकुलरली आपको अगर बताता है कि भाई ये एफसीओ बना लो, आपका अमोनिया बढ़ता, फिर से डालो नेक्स्ट डे, फिर से अमोनिया बढ़ता, फिर से डालो, फिर से अमोनिया बढ़ता, फिर से डालो, ये एकदम गलत कंसेप्ट है, ठीक है। एफसीओ अगर आपको फ्लॉक का कम यूज़ करना है, अगर फ्लॉक का बर्बादी नहीं करना है, आप एक बैकअप फ्लॉक बनाते हो, उसके बाद जब आप वाटर प्रिपरेशन करते हो तब आप उस पूरे फ्लॉक को, बैकअप फ्लॉक को आप पानी पे ऐड कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप इसको बैकअप फ्लॉक बोल सकते हो, उसको आप एफसीओ नहीं बोल सकते। और आपको टैंक का जो कम्युनिटी है, टैंक का जो इकोलॉजी है, उसको आपको डेवलप करना है, ठीक है। आपको सिर्फ कार्बन देना है, हर रोज बैक्टीरिया एफसीओ के साथ ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये अपने को नेचुरल एनवायरनमेंट जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, टैंक को जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं करोगे, ऑटो पायलट मोड पे नहीं रहा होगा टैंक को, तो आपका ये नेमोनिया का प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, ठीक है। तो दो फंडा है एफसीओ में, अगर आपको मछली को डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करना है तो लैक्टोबैसिलस यूज करना है, नहीं तो आप कुछ भी कर रहे हो, दैट इज जस्ट ए बैकअप फ्लॉक, बैकअप फ्लॉक, वो एफसीओ नहीं है। तो ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी का कार्बन कॉपी नहीं करता हूँ, और एफसीओ में इतना ये डालो उतना वो डालो, ये कहीं पे कोई भी इंटरनेशनल जर्नल और वो कोई भी बुक पे वो पर्टिकुलर नहीं है। वाटर प्रिपरेशन में आप जितना रेफर करते हो क्वांटिटी, एफसीओ के लिए भी छोटे क्वांटिटी में उसी के आसपास आप रेफर करो, ठीक है। तो बाकी इतना ही है, और दूसरी बात है कि आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो अपनी यूट्यूब में, और आप एक दूसरे भाई को रेस्पेक्ट करो, किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो प्रोफेशनली करो कि किसी भाई को ख़राब ना लगे। और ऑल दो ये मेरे लिए नहीं था वो भी, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर सैलिनिटी के लिए कोई बंदे ने प्रॉपरली बोला है, दैट इज़ कैप्टन ब्लॉक एंड एचडी ग्लोबल बायोटेक, उसके बाद अब तो पता ही है, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, आप लोग स्वस्थ रहो, ठीक से काम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।